बदरवास में कांग्रेस ने बिजली कटौती को लेकर बदरवास तहसीलदार को सौंपा राज्यपाल के नाम ज्ञापन। शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा के बदरवास तहसील में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर सभी कांग्रेस ने बिजली कटौती एवं बदरवास क्षेत्र को बारिश न होने के कारण सूखा घोषित करने के लिए आज बदरवास तहसीलदार प्रदीप भार्गव को समस्त कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई सारी मांग भी शामिल हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी मांगों को अमल में नहीं लाया गया तो समस्त कांग्रेस मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल है। बदरवास से रामजी लाल बाबा की रिपोर्ट। द्वारा तहसीलदार महोदय बदरवास, जैसे बिजली अघोषित कटौती विरोध में एवं जिले को सुदृढ़ करने के संबंध में महोदय निवेदन है कि शिवपुरी जिले में बिजली कटौती की अघोषित कटौती क्षेत्र में लगातार की जा रही है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है, जिससे जिले के हालात सूखे जैसे हो रहे हैं। बिजली का आज तहसीलदारों को ज्ञापन दिया, इसका मुख्य मुद्दा क्या था? इसका जो बिजली की अघोषित कटौती चल रही है, इससे सारे क्षेत्र में किसानों की फसल का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, साथ ही शहरी क्षेत्र में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। और दूसरी शिवपुरी जिले को सूखा घोषित करने की मांग की गई है, जिससे किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उससे बीमा की भरपाई की जा सके।